दुकान को कॉल करके निर्वा कर देखो हम जानबूझ के कारण है क्या मिस नहीं किया हम देखो हम अपनी कनिया के लिए जानबूझ के किटकैट वाला लाए हैं ताकि उसको पसंद है हैप्पी एनिवर्सरी टू अस कौन सा वाला एंगेजमेंट का एनिवर्सरी है आज हम लोगों का आज है 11th अक्टूबर और मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिशियल ट्रिप पे कराची ऐसे गलत बात ऑफिशियल ट्रिप पे बोलो ऑफिशियल ट्रिप पे जा रहे हैं ऑफिशियल विजिट है कुछ कर नहीं सकते सो बेसिकली मैं इतना कर्मठ एम्प्लॉई हूँ कि अपने एंगेजमेंट एनिवर्सरी वाले दिन निकल रहा हूँ ट्रैवल करने के लिए यदि मेरे कोई बॉसेस देख रहे हैं तो देख लीजिएगा मेरे इंक्रीमेंट का थोड़ा बढ़िया सा सो आज है एंगेजमेंट एनिवर्सरी अभी निकल रहे हैं रांची के लिए सब मैं नहीं जा रही हूँ ऑब्वियसली क्योंकि ये ऑफिशियल ट्रिप है तो अभी निकलते हैं केक कटिंग मतलब केक कटिंग नहीं पेस्ट्री कटिंग की हमने पेस्ट्री कटिंग इसलिए की क्योंकि भाई साहब केक ज्यादा खाना इज नॉट गुड फॉर हेल्थ यहाँ पे कोई मीठा नहीं खाता ना मैं ना ये ना माँ पापा बेसिकली पसंद है बट वी आर अवॉइडिंग सो ठीक है केक कटिंग हो गया मतलब पेस्ट्री कटिंग हो गया है कैब बुक कर दिया है कैब आ रहा है आता है फिर हम लोग निकल जाएंगे हम लोग नहीं मतलब हम निकल जाएंगे चल नहीं हम दे रहे हैं आपको देखो कितना शानदार तरह का लाइट आ रहा है हमारी तरफ है नहीं कैमरा दोस्त कैमरा तुम्हारी तरफ है मेरे तरफ कैमरा करके आप क्या साबित कर रहे हैं ये साबित करना चाह रहे हैं किस रईसी के साथ तुम जा रहे हो इसको रईसी बोलेंगे तो फिर गरीब लोग क्या बोलेंगे अपने आप टाइम टू स्लीप ये हमारा लाइट मैन है आई एम द लाइट मैन चलो सो जाओ रांची का पागलखाना है और इधर क्या उधर फीमेल सेक्शन उधर इधर सीनियर सेक्शन सीनियर सेक्शन सेक्शन और मेल सेक्शन औरत और मर्द समझ गया मतलब वो कॉलेज वाला है ना जेंडर पतरातू वैली यहाँ पे घूमने का अपना अलग ही मज़ा था इतना सुंदर देखने में ये जगह है और इतना ही सुंदर मतलब इसके चारों तरफ जो घाटियाँ हैं चारों तरफ पेड़ पौधे हैं इतना सुंदर लग रहा था कि बस पूछो ही मत ऐसा लग रहा था कि पूरे रास्ते का ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करके और डाल दूँ दैट इज़ द ओनली रीज़न कि ये वाला जो क्लिप है ये थोड़ा सा लंबा खिंच गया है इतने सुंदर सुंदर टर्न्स थे ब्लाइंड टर्न्स कह सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सो ये पतरातू वैली है इसका मज़ा लीजिए यदि जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइए और घूम के आइए ये वाला स्पॉट मिला है जहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह दिख रहे हैं और लोग काफ़ी दिख रहे हैं फोटोग्राफी के लिए आपको यहाँ पे फोटो क्लिक करवाना है तो आप खुद से तो कर ही सकते हैं इनकेस आपके पास कैमरा नहीं है सो कैमरामैन आर अवेलेबल वो लोग फोटो क्लिक करते हैं कुछ पैसे लेते हैं और फोटो क्लिक करके आपको दे देते हैं सो ये वाली सर्विस भी यहाँ पे अवेलेबल थी
बैक फ्रॉम रांची और लग गए हैं शॉपिंग में। कल है दुर्गा पूजा, कल से शुरू हो जाएगा दुर्गा पूजा, तो उसकी तैयारी चालू। वे हैं शॉपिंग करने के लिए, मैं और सिमरन। सिमरन मैडम अंदर दुकान में। ये मैंने ले लिया है चूड़ी, सिंदूर, आलता था ना यहाँ पे, आलता, नेल पॉलिश, माता रानी को चढ़ाऊंगी, ये है चुनरी, डेकोरेशन का कुछ सामान है। तो दुर्गा पूजा की शॉपिंग हो चुकी है लगभग। और वहाँ ये वेट कर रहे हैं मिस्टर सूरज सिन्हा, मुझे वॉलेट दिखा रहे हैं, पैसा पैसा दे दीजिए इधर लाके। हो गया, तो बेसिक चीज़ें हमने ले ली, हमें हमारे मोहल्ले में मिल गया। हाँ, बिरला कॉलोनी में ही हमने सब कुछ ले लिया। ले लिया, अब हम लोग निकलते हैं फटाफट। तो भाई हम लोग निकल गए हैं रांची से, सुबह सुबह आया रांची का ट्रिप ओवर, सुबह सुबह आया, उसके बाद से इधर उधर दो उधर में लगा हुआ था, अभी शाम हो गई है, शाम क्या रात हो गई है, अभी हम लोग निकले हैं कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, क्योंकि कल से है नवरात्र चालू, आज है मोहल्ला, तो हैप्पी मोहल्ला। और अभी पूजा पाठ का कुछ सामान तो खरीद के घर पर रख दिया, मतलब मेजर मेजर चीज़ें हमने ले ली हैं, बाकी कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं, मतलब वो चीज़ें मोहल्ले में दिख रही थी और जो दिख रही थी वो पसंद नहीं आ रही, तो हमने सोचा थोड़ा बाहर निकल के देख लेते हैं वहाँ पे क्या कैसे मिल रहा है, तो चलते हैं देखते हैं, यदि कुछ पसंद आया तो लेंगे, अदरवाइज ऐसे घूम के निकल जाएंगे, क्योंकि चीज़ें तो हमने ऑलमोस्ट खरीद ली है। तुम दुर्गा पूजा की तैयारी हो चुकी है, मार्केट पूरा एकदम देखिए सजा धजा है, इतना अच्छा जबकि रात हो चुका है, 11 बजने वाला है, 11 बजने वाला है, फिर भी अभी तक इसकी मार्केट में भीड़ भाड़ है ही, बहुत सुंदर मार्केट है। नहीं ये पंडाल भी बन रहा है यहाँ पे, कल से हर जगह पे वो साफ सफाई वाली काम चालू हो जाएगा, तो फिर और पटना में भी दुर्गा पूजा का बहुत भयंकर धूमधाम से होता है, तो अभी तो एक दो दिनों में मुझे लगता है कि हर जगह जहाँ जहाँ पंडाल है वहाँ वहाँ से हर जगह भी चालू हो जाएगा। अभी कंकड़बाग में जाते आपने देखा ही होगा कि अच्छा खासा जो है वो पंडाल वगैरह का व्यवस्था हो चुका है, तो कल परसों से वो धूमधाम एकदम चालू हो जाएगा। ठंडापन आ गया है, इनफैक्ट रांची में तो इससे भी ज़्यादा ठंड थी, वहाँ तो एकदम ऐसा लग रहा था कि ठंडी का मौसम है, वैसे वाली ठंड थी वहाँ, तो मौसम में ठंडापन तो आ ही चुका है। और वैसे भी ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ पेड़ है, तो हरियाली की वजह से ठंडापन रहता है ये एरिया हमेशा, मतलब मज़ेदार रहता है ये वाला एरिया। तो अभी हम लोग बस घर की तरफ जा रहे हैं, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे और कल से मिलेंगे दुर्गा पूजा की तैयारियों के साथ, तो इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, रांची की खूबसूरती, पटना की खूबसूरती दोनों इस वीडियो में दिख रही है, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। We'll be right back.
ये हमारे कॉलोनी का दुर्गा माता का मंदिर, जिसकी साज सज्जा चालू है, थोड़ा बहुत डेकोरेशन तो हो चुका है। कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर, जबकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इट इज़ एन इनिशियल स्टेज। यहाँ पे काम चालू है, सब लोग लगे हुए हैं अभी। कल तक मुझे लगता है कंप्लीट हो जाएगा, ये बहुत सुंदर लगेगा।